नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल स्थित भारतीय समाज पार्टी के द्वारा महिला हक अधिकारी महरैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्र हुई हैं और रैली को सफल बनाने के बतौर मुख्य अतिथि महारैली में भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भव्य स्वागत मंच पर कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर किया गया है। और उन्होंने जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा है कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शराबबंदी करेंगे और महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। स्कूल कॉलेज में उनकी पढ़ाई लिखाई और दवाई बिल्कुल मुफ्त में की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर गुजरात और बिहार में शराबबंदी हो सकती है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकती है। सरकारें कहती है कि अगर शराबबंदी हो जाएगी तो आमदनी बंद हो जाएगी, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि गुजरात में शराब बंद हो गई तो और बिहार में शराब बंद हो गई, अब आमदनी आ रही है या नहीं आ रही है? यूपी में भी शराबबंदी क्यों नहीं होना चाहिए? वहीं इसके इनको अकल नहीं है, अकल लेना है और तो हमसे ले लें, और पैसे की जरूरत है तो हमसे बताएं, हम पैसे देंगे। शराब जैसे 2 पैसा कमाते हैं सब अच्छे नाई लड़कन के पढ़ाई के पी जाइए तो का पी लड़कन के को पढ़ाई दारू सब पहले बंद हो के चाहिए। दारू बंद हो के चाहिए ना बहन, देखी 4 ठो बेटी बाटी आदमी पी के आवे न 1 रुपया किन के देवे नहीं करे पी के अपन लुटा देना, तो लड़कन के कहाँ से करिए का पढ़ाई लिख। मैं अपने मायके में रहती हूँ और यहाँ से हम टोला जंगल और आई हूँ। शराबबंदी क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो पी कर आते हैं हमेशा और मारते पीटते हैं घर में, और बच्चियों को पढ़ने लिखने नहीं जाने देते हैं, कापी किताब भी नहीं देते हैं, और बच्चा एक छोटा है इसको स्कूल अभी नहीं भेज रहे हैं, 6 साल का हो गया, अभी कहते हैं अभी नहीं पढ़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं शराब बंद हो। क्या नाम आपका? प्रियंका। छोड़ दीजिए खाली बोलिए। आज किस तरह के कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पे? बहुत बढ़िया आए हैं, यही अपने गरीबी ओम प्रकाश राजभर की वजह से। शराबबंदी को लेके क्या? उसे बंद, हम सोचते हैं कि वो बंद हो जाए। क्यों बंद होना चाहिए? इसलिए कि हम लोग महिला बहुत परेशान है इससे, हमारे बच्चे भी सब परेशान है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि शराब बंद ही हो जाए तो बढ़िया है। कहाँ से आप आई हैं? हम यही सलेमपुर के पास से आए हैं, धनपुरवा गाँव से। सुशीला देवी। आज यहाँ रैली में आई हुई है महिला हक को लेके, क्या कुछ समझ में आया और क्या मांग करती है सरकार? सरकार से मांग करते हैं कि शराब बंद हो जाओ, हम लोग कोई लिए परेशान है, लड़का बच्चा कोई ना पढ़ा पाते हैं, आदमी पी के आता है घर झगड़ा करता है रगड़ा करता है, तो हम लोग कहाँ से खिलाएगा? तो लेके आवाज बुलंद कर रही हैं। हाँ। क्या लगता है शराबबंदी होगी? अब होगी, महिला जब खड़ा होगा तो शराब बंद होना जाएगा, जब महिला रहेंगे तो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। कहाँ से आप आई हैं? देवरिया जिला से। क्या नाम है आपका? मंचना देवी। ठीक रहेगा ना, लड़ाई बड़ी टफ है, बड़ी कठिन है लड़ाई। हम 20 साल से आपके बीच में है कि नहीं है? बोलो, 20 साल से हम घूम रहे हैं, हम कभी पीछे नहीं हटे। आज भी मैं कह रहा हूँ घबराओ नहीं, उत्तर प्रदेश का माहौल उस मुकाम की तरफ पहुंचा रहा हूँ भारतीय समाज पार्टी की। हमारी माताएं बहने और पार्टी के नेताओं कान खोल के सुन लो, बसपा सपा कांग्रेस ये सत्ता कर चुके, अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी पेड़ में फल लग गया है आम। बोलो पकेगा कि नहीं पकेगा? बोलो पकेगा ना, नहीं फल गिरेगा कि बचेगा? गिरेगा तो कोई दूसरा फल लगेगा ना। ओम प्रकाश राजभर, दावे के साथ कहता हूं आने वाले दिनों में भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव जी के वंशजों, तेरा शासन आने वाला है, आप घबराओ नहीं, अब तेरा शासन आने वाला है। अब खबर गोंडा से है, जहां पर अपना दल केमावरवादी के नेता और साथ ही सपा गठबंधन से विधायक पल्लवी पटेल ने एक दिवसीय गोंडा दौरे पर गोंडा पहुंची है, और जहां पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है और साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरकर चुनाव में जुट जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पल्लवी ने रामचरित मानस विवाद पर कहा है कि वे तुलसी
तुलसीदास को संत नहीं मानती। तुलसीदास महज एक अनुवादक है और रामायण के कई वाल्मीकि है और साथ ही कई रामायण को मिलाकर तुलसीदास ने अनुवाद कर दिया है और साथ ही उसमें अपना विचार रखे हैं। वहीं पल्लवी ने यह भी कहा है कि इसमें उनके निजी विचार है और मानस को ना मैंने पढ़ा है ना मैं मानती हूँ। मैं साकार ब्रह्म और साथ ही मूर्ति पूजन में भी भरोसा करती हूँ। और साथ ही वही पल्लवी ने यह भी साफ किया है कि एक पंक्ति को हटाने से बात नहीं बनने वाली, शुद्ध जाति और साथ ही प्रति ऐसे विचार को जड़ से मिटाना चाहिए और इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है जिसमें दिमाग और आत्मा से इस तरह का सोच खत्म होगा। सैथी पल्लवी ने कहा है कि इसके लिए मैं आंदोलन करूंगी जिससे समाज के लोगों में शुद्ध के प्रति विचार और साथ ही ये जो विचार है वे बदल सके। और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि जब अखिलेश की कुर्सी गौमूत्र से खोई गई थी, गौमूत्र से धोई गई थी, तो उसी समय स्वामी प्रसाद को विरोध करना चाहिए था। बीजेपी के रहते हुए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। बिगाड़ के डर से ईमान की बात करना ठीक नहीं है। रामायण के बहुत से वॉल्यूम्स हैं, बहुत से लेखकों ने उसको लिखा है और रामचरितमानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायण से कुछ ना कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। अब रामचरितमानस की जिन चौपाइयों की बात हो रही है, अगर देखें तो ऐसे इस्लाम है और कुरान में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है और कई इस्लामिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने बोला है कि जो बुत परस्ती में लोग हैं वो काफिर हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती और मैं ऐसा विश्वास भी नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे लिए बुत परस्ती या मूर्ति पूजन जो है वो साकार ब्रह्म है। कासगंज में कल माघ पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा जी में डुबकी लगाई है। वहीं गंगा में स्नान करने वाले की लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं में बता दें कि पुण्य का लाभ कमाया है और साथ ही दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया है और कहा है कि पूर्णिमा के दिन हर की पौड़ी में गंगा जी का स्नान करने से सारे पाप कष्ट धुल जाते हैं। वहीं गंगा जी परिक्रमा मार्ग में भी श्रद्धालुओं का लंबा तांता लगा रहा। वहीं हर हर गंगे के नारे के साथ गंगा में श्रद्धालु डुबकी लगाते हुए नजर आए। फिरोजाबाद के विभिन्न थानों में व्यापार गोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसमें साप्ताहिक बंदी से लेकर बाजार में लगने वाले जाम को लेकर व्यापारियों से साथ चर्चा की गई है। इस व्यापारी गोष्ठी में बड़ी संख्या में नगर के व्यापारियों ने भाग लिया है। प्रशासन के आदेश अनुसार फिरोजाबाद के विभिन्न थानों के साथ ही टंडला थाने में SP सिटी बता दें कि सर्वेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में व्यापारी गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें SP सिटी द्वारा व्यापारियों समस्याओं को सुना गया। साथ ही व्यापारियों को सुरक्षा और टुंडला नगर के साप्ताहिक बंदी और अतिक्रमण के कारण बाजार में लगने वाले जाम के संबंध में चर्चा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में संपूर्ण जनपद में व्यापारियों के साथ में संवाद कार्यक्रम हेतु गोष्ठियां की जा रही हैं। उसी क्रम में आज टुंडला में व्यापारी संवाद गोष्ठी में मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। इसमें व्यापारियों की भी हम लोगों ने समस्याएं सुनी हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने भी कुछ उन्हें सुझाव दिए हैं और एक अनुरोध हम लोगों ने किया था कि साप्ताहिक बंदी के संबंध में अभी इस पर ये लोग मंथन कर रहे हैं, जैसा इनका निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण संबंधी समस्याओं, व्यापारी हितों के संबंधी समस्याओं, इन पर भी आपस में चर्चा हुई है। हम सारे लोग मिल करके एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाएंगे और प्रयास ये करेंगे कि यहाँ ये शहर अतिक्रमण मुक्त भी हो और इसमें व्यापारियों का हित भी सुरक्षित हो। ऐसा है, प्रशासन की मंशा के अनुरूप व्यापारियों की सुरक्षा को देखते हुए हमारे कप्तान साहब के द्वारा यह निर्देश दिया गया है। व्यापार मंडल को और टुंडला SHO को के एक टुंडला में थाने में भी एक व्यापारियों की गोष्ठी का आयोजन किया जाए जिसमें व्यापारियों की जो समस्या उनसे शासन और व्यापार मंडल अवगत हो उसको अनुरूप हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम रखा गया है, बैठक का। इसमें हमारे टुंडला नगर के सभी सर्राफा व्यापारी,
और सभी दुकानदारों ने यहाँ सहभागिता की, उसमें मुख्यतः जो विचार आया बंदी का, जो कि सप्ताह बंदी वाला, उस पर सभी गहन विचार विमर्श करके इसका हम लोग पालन करेंगे सभी दुकानदार। इसमें समस्या भी है कि इतवार को दुकानें बंद करें सराफा व्यापारी, तो उसके लिए दो दुकानदारों ने विरोध किया, तो एसपी साहब ने कह दिया है कि उसको हम आगे बात करेंगे, आप फ्राइडे को बंद रखें, संडे को बंद रखें। नहीं, और समस्याएं क्या क्या थी आप लोगों की जो यहाँ सुनी गई? रोड पर जाम लगता है, एसपी साहब कह गए हैं कि जो रोडों पर जाम लगता है तो दुकानदारों को अपनी एक रसमंड लेखा बना लें, उसके पीछे अपना माल रखें, रोड चौड़ी हो जाएंगी, जाम से स्थान मिलेगा। और भी दो तीन बातें वो कह गए हैं और उस पर दुकानदारों को विचार करने के लिए व्यापारी जो उस पर विचार करें। तो आप लोग ये गोष्ठी संतुष्ट हैं? हाँ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बीते दिनों रामचरितमानस को लेकर दी गई टिप्पणी के बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं उन्नाव के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज युवाओं ने मोर्चा खोला है। युवाओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला बनाकर बता दें कि नाले में प्रभावित कर इसका विरोध जताया है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस उपाध्यक्ष जीआरपी प्रभारी निरीक्षक प्रीता सिंह द्वारा गठित टीम ने बता दी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 से लेकर शातिर किस्त के अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी का नाम लोकेश कुमार बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया है कि गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त को अपराधी के इतिहास के बारे में अन्य थानों से पूछताछ की जा रही है। एक्चुअली हमारा ये 4 सालों से एक अभियुक्त जो कि जिसपे इनाम था, इनामी हमारा अपराधी था लोकेश, ये ताहरपुर गांव का रहने वाला था, यही देहात सहारनपुर देहात कोतवाली का, और ये जीआरपी से वांछित था और इसपे इनाम भी था। तो इसपे शुरू में इनाम राशि कम थी, लेकिन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम बनाई गई संयुक्त रूप से एसओ मेरठ सिटी और प्रभारी निरीक्षक सहारनपुर के नेतृत्व में एक ज्वाइंट टीम बनी 6 लोगों की, और इस पर पुरस्कार राशि भी जो है 25,000 की कर दी गई। फिर हमारी ये टीम लग के आज जो है इसको, क्योंकि काफी दिनों से लगी हुई थी पीछे, लेकिन आज सुबह जब ये पुनः अपना वेश बदल के मथुरा में रह रहा था और फिर से मथुरा जाने की तैयारी कर रहा था, उसी बीच आज पकड़ा गया है। गोंडा में पुलिस ने मोबाइल दुकान में चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने मोबाइल चोरी का खुलासा कर अपराधी को जेल भेज दिया है। वही गिरफ्तार अभियुक्त रितेश के कब्जे से 38 मोबाइल और 21 बैटरी बरामद की गई है। इनके साथ ही उसके पास से बता दी कि चार्जर केबल और साथ ही मेमोरी कार्ड और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि गोंडा के मालवीय नगर में मोबाइल दुकान में चोरी हुई थी, जिसके बाद से शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। 3 फरवरी 2023 को विशाल मिश्रा सनाफ शिवमूर्ति मिश्रा निवासी राजा मोहल्ला थाना कोतवाली नगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर मोबाइल शॉप में चोरी के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज थाना कोतवाली नगर टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक वांछित अभियुक्त रितेश पांडे सनाफ अजय प्रकाश पांडे निवासी विद्यानगर थाना मूर्तिगंज जनपद गोंडा का रहने वाला है, इसे आज गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 38 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन। बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बता दें कि ब्लाइट मर्डर को लेकर केस को लेकर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रसंग के चलते आरोपियों ने रास्ते से ही महिला के पति को हटाने के लिए ट्रेन में उसकी हत्या कर शव को बता दें कि तहसीलपुर थाना क्षेत्र के पास सरयू नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने जब मृतक का शव मिला तो उसके पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिली थी। पुलिस ने अथक प्रयास करते हुए न केवल मृतक के परिजनों का पता लगाया, बल्कि घटना में सफल अनावरण करते हुए कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें बता दें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेजा जा चुका है। और पुलिस के मुताबिक मृतक जाफर अली मलतवा बढ़नी बाजार थाना क्षेत्र के ढेबूड़ा
जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला है, जो कि मुंबई में रोजी रोटी के सिलसिले में नौकरी कर रहा था। घर पर मृतक की पत्नी नामजा खास्ता अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जफर अली के मकान के पास नर निजामुद्दीन रहने लगा था और साथ ही वही वो खुद को मौलाना बताते हुए लोगों के लिए दुआ ताबीज करने का काम करता था। जफर अली की पत्नी नामजा खातन भी उसी मौलाना से दुआ ताबीज करवाने लगी थी। इसी दौरान उनका और मौलाना का प्रेम संबंध बन गया और जिसके कारण पत्नी और मौलाना ने अपने संबंध को रोड़ा समझ रखकर जाफर अली को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। जानकारी की गई, उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया तो ये जानकारी में आई कि जाफर जो हैं वो मुंबई में रहकर काम करते हैं और घर पर बढ़नी में उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती हैं। पिता जो हैं उनके वो मजदूरी में अक्सर बाहर रहते हैं और खोजबीन करने पर यह जानकारी आई कि जाफर की पत्नी इनका संबंध तुलसीपुर के एक मौलाना जो अशफाक हैं उनसे है। अशफाक जाफर के घर के सामने ही एक कमरा लेकर नूर मोहम्मद के घर में कमरा लेकर काम रहते थे और वहाँ पे दुआ और ताबीज देने का काम करते थे। इसी दौरान पिछले 3 महीने से इनका संबंध अशफाक का जाफर की पत्नी के साथ हो गया और दोनों के बीच में प्रेम संबंध हो गया। हरदोई के मजिला थाना क्षेत्र के में दो पक्षों के विवाद के बाद से पथराव हो गया जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। तनाव से स्थिति देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दरअसल मंजिला थाना इलाके के सहजना गांव में चक रोड के निकास को लेकर दो पक्षों में पहले कहा सुनी हुई, इसके बाद से विवाद हो गया और कुछ ही देर बाद मारपीट होने लगी। फिर दोनों तरफ से पथराव हो गया जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए हैं। पूरी घटना की जानकारी पाकर सीओ शाहबाद हेमंत उपाध्याय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया है कि घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है और वही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। मामले को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नारवल का इसकी ज्ञात हुआ है युवती रहने वाली है और आज उसकी डेड बॉडी खेत में मिली है। गले में दुपट्टा कसा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज ही ये घटना हुई है। इस संबंध में पड़ताल की जा रही है। अब तक पता लगा है कि विगत माह गांव का एक लड़का इसको लेकर चला गया था और पुलिस द्वारा इसको बरामद किया गया था और 30 तारीख को विधिक कार्रवाई के बाद घर वालों को सुपुर्द किया गया था, जिसके बाद आज ये घटना हुई है। पूरी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आ पाएगी। विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक मां ने अपने सौतेले बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके सौतेले बेटे ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पीड़ित महिला का मेडिकल जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी की तलाश कर रही है। मामला अंतरा थाना अंतर्गत का बताया जा रहा है। आज दिनांक 5/2/2023 को थाना अतर्रा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उसने अपने सौतेले पुत्र पर दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगाया है। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश की जा रही है। महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है। घटना स्थल से साक्ष्य संकलन कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर बता दें आपको कि उन्नाव से है, जहां पर फतेहपुर में 84 थाना क्षेत्र के कैलाशपुर गांव में रहने वाले संगीत के 5 वर्षीय बेटी सिम्मी और साथ ही समीसा 31 जनवरी को दोपहर में संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गए हैं। इसके बाद से उनकी तलाश की गई है लेकिन कोई जानकारी ना होने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। 1 फरवरी को दोपहर गांव में दूर खेतों में उनका शव मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कराया था तो गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से SP सिद्धार्थ शंकर मीणा ने इस मासूम की हत्या के खुलासे के लिए बता दें कि
तमाम तरीके के प्रयास किए हैं और इस दौरान कई जगह बातचीत की गई है। घटना के बाद से 5 दिन बीत जाने के बाद पुलिस को सफलता हासिल हुई और इस दौरान एएसपी शशि शेखर सिंह ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर सुबह 8 बजे गांव में रहने वाले अखिलेश पुत्र मंटू, बता दें कि गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया है कि उसने मृतका सिमी की मां ईशा से प्रेम संबंध थे और उसके प्रेम में मासूम बाधा बन रही थी, जिसके चलते उनकी हत्या की गई। थाना 84 के कुशलपुरवा ग्राम से एक छोटी बच्ची 31 जनवरी को गायब हो गई थी शाम को, उसकी तलाश की गई। तुरंत एफआईआर दर्ज करके पुलिस द्वारा कार्रवाई किया गया। अगले दिन उसकी डेड बॉडी एक सरसों के खेत में कुशलपुरवा गांव में ही बरामद हुआ। इसकी विवेचना में ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जो उसी के गांव में उसका चचेरा चाचा लगता है, उसके द्वारा ये घटना की गई। उस अभियुक्त अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशादेही पर जो मृतक बच्ची थी उससे संबंधित कुछ जेवर और उसके चप्पल इत्यादि के टुकड़े बरामद हुए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।